आज के टेक अपडेट में आपका स्वागत है। फर्स्ट अपडेट है गूगल की तरफ से। गूगल ने अपनी एंड्रॉइड, क्रोम और पिक्सल टीमों के एक होने की घोषणा की है और अपनी एआई डेवलपमेंट टीमों को एक साथ मिला दिया है। सेकंड अपडेट है स्पाइनेक्स की तरफ से। भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाली कंपनी स्पाइनेक्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर और पीडियाट्रिक सिबेरियल पॉल्सी के इलाज के लिए नॉन अग्रेसिव स्पाइनल न्यूरोमॉड्यूलेशन उपकरण विकसित कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है क्राइम जीपीटी की तरफ से। स्टैक्यू टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित क्राइम जीपीटी डेटा का विश्लेषण, आवाजों और चेहरों की पहचान करके कानूनी अनुसंधान में मदद करता है। नेक्स्ट अपडेट है गूगल वॉलेट की तरफ से। गूगल वॉलेट अब भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जो उन्हें अलग अलग कार्डों को संग्रहित करने और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल को लेकर। एप्पल एजेक्स अपना स्वयं का जनरेटिव एआई मॉडल विकसित कर रहा है, जो ओपन एआई के जीपीटी 3 और जीपीटी 4 के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आईफोन एआई सुविधाएं तेज हो सकती हैं, लेकिन चैट जीपीटी और जेमिनी की तुलना में कम शक्तिशाली हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है एलियंस को लेकर। 17वीं सदी के वैज्ञानिक जैसे कि क्रिस्टियान हुईगेंस पहले ही अन्य ग्रहों पर एलियंस के अस्तित्व के बारे में स्पेक्यूलेट कर चुके थे। नेक्स्ट अपडेट है गूगल के जेमिनी एआई को लेकर। गूगल के जेमिनी एआई के लिए सार्वजनिक उपयोग की तैयारी के बारे में चिंताएं उठीं जब इसका डेमो वीडियो संपादित मिला, जिसमें कोई वास्तविक समय में आवाज बातचीत नहीं थी। नेक्स्ट अपडेट है शाओमी को लेकर। शाओमी ने 23 अप्रैल को अपने स्मार्टर लिविंग 2024 इवेंट पर रेडमी पैड एसई की शुरुआत करने का इरादा किया है। नेक्स्ट अपडेट है वीवो को लेकर। वीवो V30e भारत में 2 मई को लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है अर्थ डे 2024 को लेकर। गूगल डूडल ने अर्थ के विविध परिदृश्यों को अर्थ डे 2024 पर ट्रिब्यूट दी। नेक्स्ट अपडेट है रितेश अग्रवाल को लेकर। ओनियो के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने कहा कि हर वैश्विक ब्रांड को भारत में होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है टेंसेंट को लेकर। टेंसेंट ने मई में डंजन और फाइटर मोबाइल गेम को रिलीज करने का इरादा किया है। टिकटॉक बैन बिल। यूनाइटेड स्टेट्स की संसद ने एक तेजी से चलने वाले टिकटॉक बैन बिल को पारित किया है। आईपीएल 2024। जियो सिनेमा ने आईपीएल 2024 के लिए नया एड्स फ्री सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।